कुमकुम भाग्य। हम दोनों में से बेटर कौन है ये बात सिर्फ तुम्हें प्रूफ करने के लिए मैं ये एल्बम करूंगा। और जाकर कह दो अपने उस किंग पिंग सिंह से, कह दो उससे कि मैं अपना दिया हुआ वादा कभी तोड़ता नहीं। तरस जाओगी अपने उस पति की तारीफ करने के लिए, नहीं कर पाओगी ना मेरे सामने ना दुनिया के सामने। अभी से चुप चुप के मिलने आई है ना पुत्र, तुझे इस घर में छुपने की जरूरत नहीं। इस घर पे और घर वालों पे सिर्फ तेरा हक है, और बिना हक के जो इस घर में रहते हैं ना उनको निकालना तेरा फर्ज है। पुत्र वापस आ जा, जो तेरे रास्ते में आए उसे तू हटा दे। पहले हाथ जोड़ जा, नहीं माने ना तो उस पे हाथ उठा दे। मम्मा सोने के लिए बोल के रूम से चली गई और तुमने फिर से फोन उठा लिया। अरे अब तो सेफ है, चाहे पूरी रात बात करूं। अब तो मैं तुम्हारी मम्मा से जरूर मिलना चाहता हूं। आपकी विश जरूर पूरी होगी बेटा। तो मेरी विश पूरी कर दो। वैसे पूरी हो गई समझो, कल मेरी मम्मा आपसे मिलने आ रही है। रियली? यस, प्रॉमिस किया है उन्होंने और वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। ये लीजिए मैंने साइन कर दिया, आप चेक कर लीजिए। हम ये अभिषेक प्रीमेरा कौन है? आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली आपने हस्बैंड नेम के आगे अभिषेक प्रीमेरा लिखा है। सॉरी, वो मेरा पास था। नहीं, इस परी का ख्याल रखना, बीवी है तेरी। तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों साथ रहोगे, झगड़ोगे नहीं। अब बोलो, लड़ोगे नहीं ना? ये तो तुम्हें उस किंग सिंह के साथ मिलती है ना, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, और मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, सिर्फ तकलीफ दी मैंने तुम्हें, कभी कोई खुशी नहीं दी। तो आपके पास तभी होगा ना अगर आप सिगरेट पीते हो, और अगर नहीं पीते तो लाइटर कहाँ से आएगा? मैं ले आऊंगा ना जलाल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो तुम्हें पता चल जाएगा, बस। मैं भी साथ चलूँगी। नहीं, तुम नहीं चलोगी, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज भरोसा है ना मुझ पर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। कहा ना, अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तभी बाहर आऊंगी। आप जल्दी जाकर मेरे पास वापस आए। छोड़िए उसे, वो छोड़िए। मरेगा तो मेरी बच्चा को। अब क्या करें, वो मर जाएगा। मरने दो उसे, प्लीज छोड़िए उसे, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, प्लीज प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, सुनिए प्लीज प्लीज। चुपचाप खड़े रहे बुढ़िया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं खुद ले लेती हूँ। एक बार बोला तेरे को समझ नहीं आता क्या? We'll be right back.
क्या हुआ आलिया? मैं क्यों बुलाया यहाँ पर? इतने गुस्से में क्यों हो तू? क्या आप लोग घर में थे जब मैंने पूरब को लेकर अपनी फीलिंग्स बोली थी? घर में थे या नहीं जब मैंने सबके सामने आपको बताया था कि पूरब इस घर में नहीं रह सकता? जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग थे या नहीं? आप लोगों ने सुना था कि नहीं कि मैंने पूरब को लेकर अपनी फीलिंग्स बोली थी और उसको बोला था इस घर से चले जाए? हाँ हम लोग तो थे यहाँ। तुम नहीं थी ना? मैं थी। बरदा जो तूने उस बैग की तरफ देखा, अभी को आ जाने तो मैं बात करूंगी कि रोज रोज की झंझट खत्म हो। क्या झंझट खत्म हो दासी? आपने देखा नहीं आलिया को? कहीं उसने गुस्से में आकर हम लोगों का सामान बैग में पैक करके हमें घर से बाहर फेंक दिया तो? ओए मिताली तू तो चुप कर। अरे तू उसकी चिंता मत कर, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो उसे मैं सीधा कर दूंगी। मूड खराब कर दिया, चलो टीवी लगाओ। ये सही आइडिया। जो तुमने बाहर किया पूछ सकती हूँ क्यों किया? मुझे तुमसे कोई भी बात डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अब हम दोस्त नहीं है आलिया, और ना ही मैं तुम्हारी दोस्त दोबारा बनना चाहती हूँ। पर एक बात याद रखना, जितना तुम अपने दोस्त को करीब रखती हो ना, उससे ज्यादा अपने दुश्मन को करीब रखा करो। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो लोग घर छोड़कर चले गए। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी। आई डोंट नीड योर एडवाइस दैन। और स्पेशली तुम जैसे इंसान से तो मुझे कोई एडवाइस की एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो खुद मेरे पास एडवाइस मांगने आई थी मेरे भाई से शादी करने के लिए। आलिया मैंने जो चाहा उसे पाया। वन साइडेड लव था, लेकिन मैंने अपने प्यार को हासिल किया। और लुक एट यू, तुम अकेली थी और अकेली ही रह गई। फिर ये कैमरा ऑन कैसे रह गया? शर्मा कोई ना कोई रीजन तो है जो हम मिस कर रहे हैं। रीजन मुझे पता है सर, इस फ्रेम में ये आर्च देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिडन कैमरा हो ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। या फिर हम सब कुछ देख सकें? मैं कुछ समझा नहीं सर। आज बोल दिया तो दोबारा मत बोलना कि तुम मुझे नहीं जानती। मानता हूँ अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, पर कभी तो था ना। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। अब तक तो लूथराज ने तुम्हारी स्लैम बुक ओपन कर दी होगी। व्हाट? ये लायो, ये धागा ना तेरी हिफाजत करेगा। यूं समझ ले कि मैं तेरे साथ हर वक्त। महक की नियत साफ है, मैं इसके साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकता हूँ। परसों तेरा जन्मदिन, महक ने अपने जन्मदिन पे बुलाया, उसने पिलाया, पीने के बाद तू उसकी ऐसी तस्वीरें खींचेगा जिसकी वजह से उस छोरी के पास मुंह छुपाने के लिए जगह। ये सब तुमने तो किया, याद नहीं तुम्हें? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन कहाँ है? मैं उसके पास। रुको, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन रुको। एक मिनट, पीछा करना ना। बैठो गाड़ी। वो देखो, वो नहीं गाड़ी, जल्दी करो, जल्दी चलो। तुम ऐसे चलाओगे तो हम कैसे पहुंचेंगे? प्लीज फास्ट। आपकी कल की मेहनत पर तो पानी फिर गया, क्योंकि आपकी रात तो लिखा पढ़ी में जाने वाली। इलेक्शंस के पहले आप व्यास मेंशन में अपने पति के साथ एक ही कमरे में रात बिताना। आई एम श्योर इसके पीछे भी आपका कोई सीरियस मोटिव होगा। हाउ डेयर यू? शट द कैमरास। पूजा, हमारे दुश्मन को नीचा दिखाने का मौका इससे बेहतर और नहीं मिलेगा।